इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी मांगों को लेकर शिवराज सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, तो वहीं ग्वालियर के एक भाजपा नेता के कॉलेज में व्यापम घोटाले के होने का आरोप लगाते हुए भाजपा की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इंदौर में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में हजारों की संख्या में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हजारों की तादाद में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर छात्रों का कहना था कि पटवारी भर्ती में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को चेताया, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। घेराव के दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम लगा और कई घंटों तक परीक्षार्थियों द्वारा पूरे मामले को लेकर CBI जाँच की मांग की गयी। सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने यदि ये वापस जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ग्वालियर के NRI कॉलेज में सेंटर आने पर परीक्षा परिणाम आने के बाद परीक्षार्थियों का कहना था कि जिस प्रकार परीक्षा में टॉप 10 में से 7 छात्र ग्वालियर के NRI कॉलेज से हैं, वहीं 9,000 अभ्यर्थियों में से अधिकतर चयनित अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के कॉलेज के थे। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप था कि टॉपर के अधिकतर हस्ताक्षर हिंदी में है और एक ही परीक्षा केंद्र में इतने टॉपर आना घोटाला ही है, और सभी विद्यार्थियों का यही कहना था कि इस पूरे मामले की CBI जाँच कराई जानी चाहिए। देखिए, अभी पटवारी की वैकेंसी निकली थी करीबन 9,000, और उस 9,000 वैकेंसी में से अभी उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद ही ये पूरी जो घटनाएं वो चालू हुई हैं, क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट ESB के द्वारा जारी की गई और उस टॉप 10 में 7 विद्यार्थी केवल एक ही कॉलेज से सिलेक्ट हुए हैं, और उनमें बहुत सारी समानता है, उनके रोल नंबर भी काफ़ी पास है, उनके सिग्नेचर भी काफ़ी कुछ मैच करते हैं, सब ने हिंदी में साइन करे, और हिंदी में साइन करने के बावजूद उनके मार्क्स इंग्लिश में बहुत अच्छे आए। कई सारे ऐसे आंसर्स जो पेपर में ही गलत थे, तो टॉपर्स को पहले से पता था कि उसका सही आंसर विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, तो वही आंसर टॉपर्स ने वहाँ पर चूज़ करा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें पकड़ में आ रही हैं जो कि एक फर्जीवाड़े को इंगित करती है। तो सारे विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसमें जो भी अगर गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सारे टॉपर्स एक ही कॉलेज से हैं, टॉप 10 में अगर 7 विद्यार्थी चयनित होते हैं और सारे के सारे एक ही कॉलेज से अगर सिलेक्ट होते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो विद्यार्थियों, कॉलेज का नाम है NRI कॉलेज, जो ग्वालियर में है, और उसमें यह भी बताया गया कि वो हमारे शायद किसी विधायक जी का ही कॉलेज है, और सारे विद्यार्थियों की यही मांग है, इसीलिए आज सारे विद्यार्थी भी यहाँ पे आए, सारे कोचिंग सारे शिक्षक भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, कलेक्टर सर से भी हम यहाँ पे मिले हैं और उन्हें भी इस सारी चीज़ों के बारे में बताया है, और सभी विद्यार्थियों को बस इसमें यही मांग है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कृषि की एक वैकेंसी आई थी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें भी इस प्रकार की भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी। विद्यार्थियों ने जब इसको उजागर किया तो फिर उस भर्ती को ही कैंसिल करना पड़ा। साहब क्या बोले सर ने अभी इस चीज़ को समझा है, और उन्होंने इस चीज़ की आश्वस्त किया है कि इसको ऊपर जो भी संबंधित लोग होंगे उन तक पहुंचाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है आदित्य पटेल, मैं हूँ संचालक विनर्स इंस्टीट्यूट। G20 है ना, समिट हमारे 19, 20, 21 है ना, 3 दिन है ना होने जा रहे हैं। आई थिंक 17 तारीख से ही हमारे मेहमान है ना आने की शुरू हो जाएगी। 20 countries plus 9 other countries ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ आएंगे। ये दो पार्ट में होंगे, एक तो एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी ग्रुप होगा 19 और 20 में, और 20 की शाम और 21 तारीख को मिनिस्ट्रियल है ना मीटिंग होगा। ये ऑलमोस्ट है ना सारे G20 का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का कल्मिनेशन का मीटिंग है, मतलब फाइनल मीटिंग है। उसके बाद है ना मतलब एक है ना नेशनल लेवल पर एक मीटिंग होगी G20 का ना पूरी जैसे कंप्लीट। तो इसमें क्या तैयारियाँ हैं, मतलब ऑलमोस्ट है ना हम लोग ना पूरा कर रहे हैं। BM कन्वेंशन सेंटर है ना वेन्यू रहेगा, एंड 19 को भी ना उनको ना डिनर रहेगा, बट 20 तारीख एक फॉर्मल डिनर रहेगा, वो शेरटन ग्रैंड में होगा। उसमें ना मान्य मंत्री लोग रहेंगे ना, और बहुत सारे ना गेस्ट हैं ना, वो सभी लोग ना रहेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि ना मालवा का डिशेज लोकल डेलिकेसीज हैं, उसको भी हम लोगों ने ना उसमें ऐड किया है। एक अमृतस्य मध्य प्रदेश के नाम से 35 मिनट्स का पूरी मध्य प्रदेश की संस्कृति और टूरिज्म को है ना प्रदर्शित करते हुए एक है ना प्रॉपर है ना कल्चरल प्रोग्राम भी है ना उनके साथ होगा। उसके साथ नेक्स्ट 21 तारीख को एक डिनर है, इंदौर है ना स्ट्रीट फूड कैपिटल है, तो 56 दुकान में ना रखा गया है।
वहाँ भी ना उसके लिए भी मेन्यू है ना हम लोग ने रेडी कर लिया है, कुछ है ना फूड एक्सपीरियंस भी है ना, मतलब वहाँ होगा कि वो खुद भी है ना मतलब है ना स्ट्रीट फूड को है ना बना भी सकते हैं और है ना डिलीवरीज ले भी सकते हैं। उसके साथ साथ चप्पल दुकान में जैसे हम स्वच्छ ना इंदौर की एक सस्टेनेबिलिटी का लेकर है ना उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो भी है ना उनके सामने में दिखाया जाएगा, वीडियो के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। एंड एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफिशियल्स हैं उनके एक मांडू तक का एक है ना विजिट भी है ना रखा गया है। मांडू में मांडू किला का है ना लाइट एंड साउंड शो, कल्चरल प्रोग्राम्स और है ना डिनर है ना वहाँ होगा। उसके साथ साथ हमारी एक हेरिटेज वॉक का भी है ना रखा है, मतलब हेरिटेज वॉक में कृष्णपुरा छतरी से लेकर राजवाड़ा तक का डिफरेंट प्लेसेस में जा कर के हमारी मध्य प्रदेश का भारत का है ना संस्कृति है वो भी एक्सपीरियंस शेयर होंगे, हमारी है ना पुरातत्व का है ना स्ट्रक्चर्स हैं मतलब वो भी है ना वो देख सकेंगे। साइकिल भी अवेलेबल रहेगा, कोई साइकिल में जाना चाहेंगे तो मतलब है ना साइकिल भी होगा। मानसून का सीज़न है उसके हिसाब से भी हम लोग है ना भारी व्यवस्था है ना कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि ग्वालियर कॉलेज के इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त परीक्षा केंद्र के इतने कठिन पेपर में अन्य परीक्षा केंद्रों में से जहां अभ्यर्थी 140 नंबर नहीं ला पा रहे थे, कथित तौर पर NRI कॉलेज ग्वालियर में इस केंद्र में अभ्यर्थी ने 188 अंक हासिल करे, जो कि एक बड़ा परीक्षा परिणाम घोटाला साबित हो रहा है।